हेलो स्टूडेंट, कैसे? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम एंटी मार्कोनी का रूल करने चले। इससे पहले हम लोगों ने मार्कोनी का रूल को वन शॉट वीडियो में कम्प्लीट किया है। तो भाई देखो, एंटी मार्कोनी का के रूल के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, अनसिमेट्री एल्कीन, ठीक, CH3 CH CH2। ये तुम्हारा क्या है, अनसिमेट्री एल्कीन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराई हमने। आपको पता है कि यहाँ पर जो Br है वो आपका नेगेटिव है और जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखो ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पहले ये समझ लो। ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये किसकी रिएक्शन होती है, पर ऑक्साइड। अगर कहीं पर एंटी मार्कोनी का रूल लगना है तो वहां पर एरो के ऊपर आपको पर ऑक्साइड लिखा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं लिख रहा है तो वहां पर ऑक्साइड या एंटी मार्कोनी का रूल नहीं अप्लाईकेबल होगा, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट, ठीक है, लिख दे रहे हैं, निगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। निगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक भाई। अब देखो चलिए लगा लेते हैं CH3 CH। देखो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ठीक, CH2। क्लियर है? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, तो Br। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।